हाँ भाई, ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 है। आपसे कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन। बस फोर क्वेश्चन, मैं सिर्फ आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, सेक एक्स इज इक्वल टू टू, सिंपल टेबल से इसे कंपेयर करिए, शायद सेक एक्स इज इक्वल टू टू सेक 60 होता है, और 60 होता है पाई बाई थ्री। यस अब आपको ये देखना है कि सेक थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो sec थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ। मैंने आपसे कहा है फर्स्ट में थीटा लिखना है, सेकंड में पाई माइनस थीटा लिखना है, थर्ड में पाई प्लस थीटा लिखना है, फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा लिखना। तो फर्स्ट के लिए तो थीटा ही लिखेंगे, फोर्थ के लिए टू पाई माइनस थीटा लिख लेंगे, बस इतना ही याद रखने के लिए कहा है। तो sec x इज इक्वल टू sec पाई बाय थ्री एज इट इज एंड sec 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इज पाई बाय थ्री, तो ये तो पाई बाय थ्री ही आएगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 1 5 पाई बाय थ्री। तो sec x इज इक्वल टू दिस, तो x कितना आ गया भाई, x आ गया पाई बाय थ्री बाय थ्री एंड पाई बाय थ्री। ये आंसर यस और नो? यस सर। यस सर। तो कोशिश करेंगे आज आप इसको करने की। आगे सिर्फ 6 फॉर्मूलाज हैं, अगर वो फॉर्मूला बता दूं तो अभी क्वेश्चन हो जाएंगे। आप चाहो तो कर लो, चलो फॉर्मूले भी बता देता हूं, आप लोग सिर्फ कर लेना, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास क्या है, आप सब